रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 11वां अध्याय। इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इसराइली हूं, इब्राहिम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया की कथा में क्या कहता है? कि वह इसराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है कि हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बच रहा हूं, और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? कि मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। सो इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी हैं? यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। सो परिणाम क्या हुआ? यह कि इस्राएली जिसकी खोज में हैं वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए हैं। जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो न देखें, और ऐसे कान जो न सुने। और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि न देखें, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। सो मैं कहता हूं, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं। परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। सो यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से कितना न होगा। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूं, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूं, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों से जलन करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। क्योंकि जबकि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा? जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गुंधा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। और यदि कई एक डाली तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गईं कि मैं साटा जाऊं। भला, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गईं, परंतु तू विश्वास से बना रहता है। इसलिए अभिमानी न हो, परंतु भय कर। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां न छोड़ी, तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। और वे भी यदि अविश्वास में न रहें तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जलपाई से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया, और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जलपाई में साटे क्यों न जाएंगे? हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इस रीति से सारा इसराइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से बाप दादों के प्यारे हैं। क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई,
वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा न मानी कि तुम पर जो दया होती है इससे उन पर भी दया हो, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा न मानने के कारण बंद कर रखा ताकि वह सब पर दया करे। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन।